दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको एयरटेल थैंक्स जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर पहले से डाउनलोड है तो अपडेट कर लीजिएगा और अपडेट करने के बाद ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, किसी भी कंपनी का नंबर हो, जियो हो, एयरटेल या वोडाफोन, उस नंबर को डाल देना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने दोस्तों इस तरह का पेज खुल कर ये ओपन होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए देखिए मैनेज का ऑप्शन दिखाई देगा, मैनेज वाले जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिखाई देगा गेट वॉलेट का, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलकर ओपन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं एयरटेल मनी वॉलेट का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेम आपको यहाँ पर डालना है जो आधार कार्ड पर है, लास्ट नेम डालना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, एक ईमेल आईडी, यहाँ पर पिन कोड, यहाँ पर दोस्तों आईडी प्रूफ में क्या देना चाहते हैं तो आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर, यहाँ पर टिक लगाकर यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट एम पिन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर अपने हिसाब से एम पिन बना लेना है, जैसे कि हम बना लेते हैं, आपको भी एम पिन आपको बना लेना है और डन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालकर वेरीफाई करना है। जैसे कि यहां पर देख सकते हैं ओटीपी आ गया है 57 82 98 है, मैं यहां पर ओटीपी इंटर करता हूं 57 82 98। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह का पेज खुलेगा, यहां पर एक्सप्लोर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एम पिन डालने का ऑप्शन रहता है, जो भी आप एम पिन क्रिएट किए थे उस पिन को डालना है। डालने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का पेज खुलकर एयरटेल पेमेंट बैंक में ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो वॉलेट है यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पर शो करेगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ एड मनी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एड मनी पर क्लिक करके आप वॉलेट में जितना भी पैसा आप ऐड करके रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, जितना मन उतना तक आप इसके वॉलेट में पैसा ऐड करके रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब अकाउंट कैसे ओपन करना है, अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ देखिए अपग्रेड अकाउंट का ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन है, अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके अलाउ करके जितना भी इंफॉर्मेशन मांगेगा आपको इन्फॉर्मेशन भर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए, जो कि आप एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट को ओपन कैसे करना है। अकाउंट ओपन करने के लिए दोस्तों देखिए यहाँ पर अपग्रेड अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब दोस्तों आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का पेज खुलकर ओपन होगा। उसके बाद यहाँ गेट स्टार्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ठीक है पैन कार्ड का नंबर और आधार नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा। उसके बाद दोस्तों यह नेक्स्ट पर क्लिक करना है, पैन कार्ड और आधार कार्ड के नंबर डालकर। जब नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पर दोस्तों एक फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, तो गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक फ़ोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो एयरटेल पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।